तो इसमें आप अनोमरेबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ गया है थ्री तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उसके बाद इक्वेशन की टू टाइप्स होती हैं ठीक है इक्वेशन की टू टाइप्स होती हैं उसकी एक है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी है हमारे पास प्योर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में कि इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं यूजुअली जो जोड इक्वेशन ये वाली थी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी ठीक है अब आगे है प्योर फॉर्म प्योर फॉर्म ऑफ इक्वाडेट एक इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें हमें बी की वैल्यू जीरो गिवन हो लाइक अगर हमारे पास है ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो इसमें हमें एक्स वेरिएबल नहीं गिवन मतलब कि हमें बी की वैल्यू ज़ीरो दी गई है क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो है दैट मीन ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं जबकि बुक पे दो लिखे हुए हैं आपने वहाँ पे तीसरा मेथड भी लिखना है मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं फर्स्ट इसमें है फैक्टराइजेशन जैसे कि नाइन्थ क्लास में आप लोग फैक्टर्स बनाते थे इक्वेशन के फैक्टराइजेशन सेकेंड इसमें यूज़ होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी आप नाइन्थ क्लास में कर चुके हैं हम इक्वेशन हमारे पास होती थी हम उसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर देते हैं थर्ड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला